पाक सरजमीन से तजदीद अहद का दिन, वतन की मिट्टी से जुड़े रहने का आज़म। अहले वतन आज 76वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। मुल्क भर में जश्न आज़ादी के खूबसूरत रंग, शहर शहर करिया करिया सब सिलाली परचमों की बहार। कौम का पाक सरजमीन के साथ अपने वालिहाना अकीदत का इजहार। दुनिया न्यूज़ की तरफ से अहले वतन को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। जश्न आज़ादी पर कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में परचम कुशाई की पुरवकार मरकजी तकरीब। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी परचम बुलंद किया। तकरीब में चेयरमैन सेट सादिक संजरानी, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ, सैनिटर्स, अहम शख्सियात, गैर मुल्की सफीरों, बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। कौमी खजाने ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। दहशतगर्दी के मुकाबले में लाखों जानें कुर्बान की, आज भी हमारे फौजी, सिविलियन और मेरी कौम तसलसल से शहादतें दे रही है। इंसाफ के लिए ज़रूरी है फरीकैन को सुना जाए। बदकिस्मती से हम रास्तों से दूरी इख्तियार करेंगे तो मामलात ख़राब होंगे। किसी का नाजायज़ कत्ल नहीं होना चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का परचम कुशाई की मरकजी तकरीब से खिताब। यौम आज़ादी तोपों की सलामी से दिन का आगाज। इस्लामाबाद में 31 चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। नवाज़े फजर में मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकारीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर एजाजी गार्ड्स की जिम्मेदारियाँ संभाल ली। पाक फौज के चौको चुबन दस्ते ने मज़ार इकबाल पर सलामी पेश की। रेंजर्स की जगह गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। एवरीबॉडी से विल बी पाकिस्तान, पाकिस्तान, दिल दिल, जा जा। जश्न आजादी के मौके पर मुल्क भर में आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे। रात 12 बजते ही कराची में पोर्ट ग्रैंड, इस्लामाबाद में F9 पार्क, पेशावर में बाप खैबर, लाहौर में ग्रेटर इकबाल पार्क और इत्तेहाद टाउन में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। आसमान खूबसूरत रंगों से जगमगा उठा, शहरी महसूस होते रहे। यौम आज़ादी पर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में शानदार आतिश आज़ादी परेड। आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी। सिक्योरिटी फोर्सेस का वतन दुश्मन कुव्वतों को वाज़ेह पैगाम। पाक सरजमीन के तहफ्फुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेग़ ना करने का आज़म। मादर वतन पर जान कुर्बान करने वाले शहदा को खुसूसी खिराज अकीदत। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा। देयर इज नो पावर ऑन अर्थ which can undo Pakistan, inshallah. We have fought for long with our external and internal enemies, and we will fight for as long as it is required in the future as well. We have the will, capacity and capability to withstand all challenges, whether external or internal. I am here to reassure the people that we, the defenders of Pakistan, will never hesitate from any sacrifice in preserving our sovereignty and territorial integrity. Pakistan hai to hum hain, Pakistan nahi to kuch bhi nahi. पाकिस्तान दो कौमी नजरे की बुनियाद पर वजूद में आया। दुनिया की कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती। हम अपने अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से बाखबर हैं। बतौर पाकिस्तान के मुहाफिज किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। हमें खौफ और मायूसी फैलाने वालों का मनफी प्रोपेगेंडा मुस्तरद करना होगा। पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। आर्मी चीफ का आज़ादी परेड से खिताब। जनरल आसिम मुनीर ने अपनी तकरीर में कुरानी आयात का हवाला भी दिया। यू आर नेवर हु हैज नेवर बीन एबल टू रिकनसाइल विद द आइडिया ऑफ पाकिस्तान एंड इज अ थ्रेट टू द रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। आई मस्ट से
that we gained freedom after a great struggle, and we know how to defend it. The strategic calculus of our arch rival, skewed by its outsized ambition, carrying an illusion of being a great power and blinded by Hindutva-driven hyper-nationalism, needs serious attention of the world. خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام دو دہائیوں سے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں. یقین دلاتا ہوں دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائیوں کے خلاف ضرور کامیاب ہوں گے. پڑوسی ملک نے پاکستان کو آج تک دل سے تسلیم نہیں کیا. ہم نے یہ آزادی بے شمار قربانیوں کے بعد حاصل کی ہے. ہم اس آزادی کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. ہمارا ازلی دشمن اپنی نام نہاد اسٹریٹجک اہمیت اور توسیع پسندانہ عزائم کے خواب رکھتا ہے. آرمی چیف جنرل آصف منیر کا خطاب. واہگہ بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب میں جوانوں کی شاندار پریڈ. اہلکاروں کی مہارت پر شہریوں کی داد. قومی پرچم کی تعظیم اور نظم و ضبط کا شاندار مظاہرہ. شرکا کے فلک شگاف نعرے. خواتین اور بچے بھی پروقار تقریب سے محظوظ. واہگہ بارڈر پر بچوں کی پریڈ نے رنگ جما دیا. دشمن کو ایسے للکارا کے ماحول گرما دیا. باوردی بچے ملک و قوم کی خدمت کے لیے پرعزم. شہریوں نے نعرے بازی کر کے خوب ساتھ دیا. میں نے پاکستان آرمی کا یونیفارم اس لیے پہنا ہے کہ مجھے پاکستان آرمی بہت زیادہ پسند ہے اور یہ ہمارے محافظ ہے اور یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے. پاک فوج کو دیکھ کے بہت فخر ہو رہا ہے ہمیں کہ بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں کہ سامنے ایک دشمن ہے اور ہماری پاک فوج ہے. ہمیں فخر ہے بہت زیادہ. پاکستان زندہ باد. بھارتی فوجیوں کے لیے واہگہ بارڈر پر پریڈ امتحان بن گئی. گزشتہ روز ایک اہلکار نے رائفل زمین پر گرائی تو دوسرے روز انہیں صرف پسٹل تھما دی گئی. گزشتہ روز کا واقعہ بھارتی فورس کے لیے شرمندگی کا باعث. پاکستان پاکستان آزادی کے رنگ دنیا نیوز کے سنگ. بچوں کا سونی دھرتی سے چاہت کا خوبصورت انداز. وطن سے محبت میں بچے پیش پیش. خوشی کا اظہار کرنے میں نتنا اسٹائل اپنائیں. آزادی کی خوشیاں منائیں. پرچم لہرائیں. تصاویر بنوائیں. ہمیں بھجوائیں. واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر.